अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट मेक्स यूज ऑफ द कंट्रोल्ड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट मेक्स यूज ऑफ द सेमी कंडक्टर मटीरियल एज इट्स सोल पार्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इज द पीएन जंक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक मटेरियल्स के बारे में और फिर उनको हमने एक्सट्रिंसिक बनाया था बाय द प्रोसेस ऑफ द डोपिंग। और एक्सट्रिंसिक में हमने बनाए थे पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल्स दैट वर फॉर्म्ड बाय द डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और एन टाइप मटेरियल्स को हमने बनाया था बाय द डोपिंग विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब यही काम हम करेंगे, बट इट विल बी डन ऑन अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं सिलिकॉन का, दैट इज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्रॉम द फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और फिर हमने इसको बनाना है पी एन जंक्शन। हाउ कैन वी फॉर्म इट, हाउ कैन वी मेक अ पी एन जंक्शन? सिंपली वी विल डू अ प्रोसेस ऑफ द डोपिंग, बट हेयर इन दिस केस डोपिंग विल बी डन बाय द ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एज वेल एज द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सच दैट on one side the doping with will be done from the trivalent impurity, that is from the third A group of the periodic table, and on the other end the doping will be done by the pentavalent impurity, that is from the fifth A group of the periodic table। तो जो रिजल्ट में आपके पास फिनोमिना आएगा वो ये कुछ इस तरीके से होगा कि जिस साइड पे आपके पास फिफ्थ A ग्रुप से अपनी डोपिंग की है वहाँ पर एन टाइप मटीरियल, इस साइड पे आपके पास एन टाइप मटीरियल बनेगा और इस साइड पे आपके पास पी टाइप मटेरियल बनेगा। हमें पता है कि एन टाइप मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि यहाँ पर होल्स भी होते हैं बट दे आर वेरी लेस इन नंबर। इस वजह से हमको कहते हैं कि ये आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। वाइल ऑन द पी साइड वी आर हैविंग द होल्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बट दे आर वेरी लेस इन नंबर, और हम उनको कहते हैं कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब होता क्या है, होता कुछ यूँ है दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, दे विल बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग होल्स, तो इस अट्रैक्शन की वजह से दे विल जंप इन टू द होल। तो जो फिनोमिना होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन विल जंप इन टू द होल, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव चार्ज दैट इज़ बाउंड इन अ सर्कल, दिस मीन्स दैट हेयर द नेगेटिव चार्ज इज नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, दैट इज़ नाउ बाउंड विद इन द एटम। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू द होल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिकम्बिनेशन, और इस रिकम्बिनेशन से के रिजल्ट के तौर पे आपके पास जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इस यहाँ पर इसलिए कि सब इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करेंगे होल्स की तरफ, यहाँ पर जो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये सब होल्स तरफ जंप करके रिकम्बिनेशन प्रोसेस करेंगे, और इस तरह के बाउंड चार्जेस जो हैं वो आपके पास आएंगे, दीज आर नोन एज द बाउंड चार्जेस, नाउ दे आर नॉट फ्री। बिकॉज दे आर नॉट फ्री तो हमें दरमियान में कुछ एक रीजन हमें मिलेगा, इस रीजन में जितने भी एटम्स हैं नाउ दे आर कंप्लीट, नाउ दे आर नॉट आयनाइज्ड, दे आर कंप्लीट, दे आर हैविंग नो फ्री चार्जेस विद इन देम, कोई इनके पास फ्री चार्ज नहीं है जो कि थोड़ी सी एनर्जी लेके इधर से उधर जा सकेगा, नाउ दे आर हैविंग ऑल बाउंड चार्जेस। तो यहाँ पर इस साइड पे आपके पास होल्स आ जाएंगे, दीज आर द होल्स विद सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विद सम माइनॉरिटी होल्स ओवर हेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक लेयर बन रही है दरमियान में, दिस विल सर्व एज अ बाउंड्री, दिस विल सर्व एज अ जंक्शन, ये एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जिसको आप इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से वहाँ जंप नहीं कर सकते। टू जंप दिस बाउंड्री और दिस रीजन द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव सम एक्स्ट्रा हाई वैल्यू ऑफ द एनर्जी, जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ से जंप करके वहाँ पर जाएँ और कंडक्शन ऑफ करंट को जो है वो कंटिन्यू करें। नाउ दिस रीजन दैट इज फ्री ऑफ एनी फ्री चार्ज, दिस रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन, दिस रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन। द वर्ड डिप्लीशन इज फ्रॉम द वर्ड डिप्लीट, डिप्लीट मीन्स वाइड ऑफ, मीन्स एम्प्टी ऑफ, यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, ये सब फ्री चार्जेस से एम्प्टी हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पूरे रीजन में आपके पास ये आपके पास अगेन एक पी एन जंक्शन, मैं इसी को थोड़ा सा इनलार्ज करके जो है मैं आपको दिखा रही हूँ
कि ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है और डिप्लीशन रीजन में ये आपके पास जो है वो चार्जेस हैं। इस साइड पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस की लेयर है ऑन द एन साइड, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है ऑन पॉजिटिव होल्स की लेयर है ऑन द पी साइड। तो यहाँ पर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये होल्स इस पूरे कंप्लीट एटम के चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द साइड ऑन द पी साइड विल बी डिवेलप। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की, वाइल ऑन दिस साइड आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ही एक लेयर बन जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। दिस डेवलपमेंट ऑफ द पार्शियल चार्जेस दैट इज ड्यू टू द स्लाइट मूवमेंट ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी साइड पे, और ये पॉजिटिव होल्स अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए कि ये पॉजिटिव लेयर बन चुकी है, ये नेगेटिव लेयर बन चुकी है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें देन पॉजिटिव साइड इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज एट लो पोटेंशियल। तो ये पार्ट जो है दिस इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस पार्ट इज ऑलवेज एट लो पोटेंशियल। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो हम देख सकते हैं दैट दिस पॉजिटिव इज दोनों के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास कुछ इतना आधा है। अगर इन दोनों को कंबाइन करें सो दिस विल बी नोन एज द पोटेंशियल बैरियर। दिस मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे आपको करंट की कंडक्टिविटी चाहिए देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर। नाउ दिस पोटेंशियल बैरियर इज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मटीरियल दैट यू हैव यूज्ड एज द बेसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अगर इसकी वैल्यू ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है इट्स वैल्यू कैन बी ऑफ 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ द सिलिकॉन एंड इट कैन बी ऑफ द 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ द जर्मेनियम। इट इज़ मटीरियल डिपेंडेंट वैल्यू। सो नाउ अप टिल दिस वी हैव डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन, formation of the depletion region, and then the potential barrier and its different values depending upon the material that we have chosen to make the p-n junction. Now, after this, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की गई नहीं की। ये जो सारे के सारे चार्जेस ने मूव किया है दिस इज जस्ट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कि यहाँ पे चार्जेस के ऑपोजिट होने की वजह से ये मूव किए और ये कंबाइन कर गए। अब एक मत पर कम्बिनेशन हो जाता है, डिप्लीशन रीजन यहाँ पर बन जाता है, तो यहाँ पर फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस रुक जाएगी। दे विल बी नो फर्दर फ्लो ऑफ द चार्जेस, मतलब कि करंट की कंडक्टिविटी जो है वो रुक चुकी है। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास विद इन द डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, लेकिन यहाँ पर एज अ होल इस पूरे मटेरियल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, इस वजह से फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस भी नहीं होंगे। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक यूज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ द मटीरियल इन आर एवरी डे अप्लाइंसेज देन वी हैव टू अप्लाई अ पोटेंशियल सोर्स विद इट। और वो पोटेंशियल सोर्स हम कैसे अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल सोर्स को लगाने का मतलब ये है कि एक्चुअली हम इस सेमीकंडक्टर डायोड को पीएन जंक्शन को हम बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड बायसिंग इज व्हाट दैट इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन। अब वोल्टेज अप्लाई करने के तरीके दो तरह हो सकते हैं। आप बैटरी को दो तरीके से इस पीएन जंक्शन के साथ आप लगा सकते हो। कैसे? फॉरवर्ड में भी लगाया जा सकता है और रिवर्स में भी लगाया जा सकता है। Now, first of all, we will discuss the forward biasing. Now, this is the P-N junction. This is the P and this is the N side. And we have to attach a battery with it. Now, in what way we have to attach a battery? We have to attach a battery in this way that it makes possible the maximum flow of the current. And how can we do that? Agar N side ko aap negative terminal ke sath attach karo, और पी साइड का पॉजिटिव टर्मिनल साथ अटैच करो, देन दिस इज़ द वे टू मेक पॉसिबल द मैक्सिमम फ्लो ऑफ द करंट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, एंड इट विल प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव ओवर देयर। तो इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ को मूव करना दैट विल बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द होल्स ओवर देयर। और हम ये देख सकते हैं कि अगर होल्स इस तरफ मूव करें देन देयर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, एंड द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द electronic current. So this is the type of the forward biasing. So now the reverse biasing. In reverse biasing, and this is the P side and this is the N side, and we have to attach our battery like that. P side will be connected with the negative terminal and the N side will be connected with the positive terminal of the
बैटरी. नाउ दिस पॉजिटिव टर्मिनल दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ वाइल द होल्स दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. डिप्लीशन रीजन विल बी वाइडेंट एंड देर विल बी नो फ्लो ऑफ द करंट और देर विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट दैट कैन बी फ्लोन ओवर हेयर. सो दिस टाइप ऑफ द बायसिंग इज नोन एज द रिवर्स बायसिंग. सो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस दिस फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग इन डिटेल टुमारो. टिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़.